एक पेड़ पर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन उस पेड़ के पास एक कौवा आकर बैठ गया। कौवे ने कई दिनों से मांस नहीं खाया था। उसे मांस खाने का बड़ा ही मन कर रहा था। वह पेड़ पर बैठा मांस खाने का उपाय ढूंढ रहा था कि तभी उसे एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला दिखाई दिया। वह कौवा तुरंत उड़ता हुआ उस घोंसले के पास एक डाल पर जाकर बैठ गया और उस चिड़िया से बातचीत कर उसे दोस्ती करने का प्रयास करने लगा। पहले तो वह मासूम चिड़िया कौवे के साथ खुद को असहज महसूस कर रही थी, पर वह कौवा लगातार उससे मिलने और बातें करने लगा तो चिड़िया भी उसे अपना सच्चा दोस्त समझने लगी। मगर कौवे ने तो उस चिड़िया का स्वादिष्ट मांस खाने के लिए उससे दोस्ती की थी। कौवा हमेशा यही सोचता था कि वह किस प्रकार से वह चिड़िया का मांस खा सके, पर उसे कोई भी तरीका नहीं सुझा। एक दिन कौवे ने उस चिड़िया से कहा, कहते हैं लोग कि तुम चिड़िया बहुत फुर्तीली होती हो और काफी तेज भी उड़ सकती हो, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तब चिड़िया बोली, हाँ हम लोग काफी फुर्तीली होती हैं, तुम मानो या ना मानो। तब कौवा बोला, मैं नहीं मानता क्योंकि मैं तुमसे भी ज्यादा उड़ सकता हूँ। यदि तुम्हें यकीन ना हो तो तुम मेरे साथ रेस लगाकर देख लो। चिड़िया बोली, ठीक है। तब कौवा बोला, मगर रेस जीतने वाले को जो भी मांगेगा हारने वाले को देना होगा। मगर चिड़िया ने सोचा, रेस तो मैं ही जीतूंगी, इसलिए उसने हाँ कर दी। कौवे ने चिड़िया को एक पेड़ दिखाते हुए कहा, उस पेड़ तक उड़ान भरना है। चिड़िया ने देखा तो वहाँ दो पेड़ दिखाई दे रहे थे, एक थोड़ा नजदीक था और दूसरा कुछ दूर पर था। तब चिड़िया ने कौवे से पूछा, कौन सा पेड़, आगे वाला या पीछे वाला? तब कौवे ने कहा, आगे वाला। चिड़िया ने सोचा, जो पेड़ नजदीक है वहीं तक रेस होनी है। दोनों ने एक साथ उड़ान भरी। चिड़िया तेजी से उड़ने लगी, कौवा भी उड़ा मगर वह पीछे हो गया। चिड़िया उड़ते उड़ते नजदीक वाले पेड़ पर जाकर बैठ गई। पीछे से कौवा भी उड़ता हुआ आया, उस पेड़ से आगे निकलता हुआ बोला, उस आगे वाले पेड़ तक कहा था। चिड़िया को एक झटका सा लगा, वह फिर से उड़ने लगी, मगर तब तक कौवा उस पेड़ पर पहुंच चुका था। जब चिड़िया पहुंची तब कौवा ने बोला, तुम यह रेस हार चुकी हो। तब चिड़िया बोली, नहीं, तुमने आगे वाले पेड़ तक कहा था, यानी जो नजदीक था। तब कौवा बोला, नहीं, मैंने आगे वाले इस पेड़ तक कहा था, मैं अब यह रेस जीत चुका हूँ। दरअसल कौवे ने चिड़िया से रेस जीतने के लिए धोखेबाजी की थी। तब चिड़िया बोली, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब कौवा बोला, थोड़ा नजदीक आ जाओ तब बताता हूँ। चिड़िया अपने दोस्त के नजदीक पहुंची। तब कौवे ने उसे अपने पंजे में जकड़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारा मांस खाना है। चिड़िया बोली, यह कैसा मजाक है। तब कौवे ने कहा, यह मजाक नहीं है। यह कहकर वह कौवा उस चिड़िया का पंख नोचने लगा। अब चिड़िया को सारा माजरा समझ में आ रहा था, मगर अब वह कौवे के चुंगुल में फंस चुकी थी। उसने अपने आप को बचाने के लिए झट से कौवे से बोली, अच्छा रुको रुको, अगर तुम्हें मेरा मांस ही खाना है तो ठीक है, मैं मना नहीं करूंगी क्योंकि मैं शर्त हार चुकी हूँ, मगर मैं शाकाहारी और शुद्ध चिड़िया हूँ और तुम न जाने क्या क्या सड़ा गला खाते रहते हो। ऐसा करो कि तुम जाओ पहले नदी में अपनी चोंच धोकर आओ, ताकि तुम्हारी शुद्ध चोंच से मेरी मृत्यु हो सके और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। तब कौवा बोला, कहीं तुम भाग गई तो? चिड़िया बोली, नहीं भागूंगी क्योंकि यह शर्त मैं हार चुकी हूँ, मैं अब जीना नहीं चाहती। कौवा खुश होकर भागता हुआ नदी के पास गया तो नदी बोली, नहीं नहीं, तुम अपनी गंदी चोंच नदी में नहीं धो सकते, जाओ एक घड़ा लेकर आओ, उसमें पानी लेकर जाओ, तब अपनी चोंच को धो। कौवा उड़ता हुआ कुमार के पास गया तो कुमार बोला, पहले तू घड़ा बनाने के लिए मिट्टी लेकर आओ। तब कौवा भागता हुआ एक जगह से मिट्टी खोदने के लिए अपनी चोंच जैसे ही जमीन पर मारी, तब धरती बोली, चला जा दुष्ट यहाँ से अपनी गंदी चोंच लेकर, अगर मिट्टी ही चाहिए तुझे तो पहले कुदाल लेकर आ। अब कौवा मांस खाने के लालच में
लोहार के पास पहुंच गया उधार लेने के लिए। तब लोहार ने कहा, मेरे पास कोयला खत्म हो गया है, तुम पहले किसी के यहाँ से कोयला लेकर आओ तो मैं तुम्हें कुदार बनाकर दूंगा। कौवा सोचने लगा कि अब कोयला कहाँ से लेकर आऊं। वह उड़ता हुआ कोयला ढूंढ रहा था कि तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति पकवान बनाने के लिए अपनी भट्टी में कोयला डाल रहा था। कौवा झट से उसके पास गया। कौवे ने सोचा, पता नहीं यह मांगने पर देगा कि नहीं, कि अच्छा है कि मैं इस भट्टी से ही कोयला चुरा लूं। यह कहकर वह नीचे अंदर भट्टी में हल गया और कोयला चुराने लगा कि तभी वह व्यक्ति आ गया और उसने भट्टी का निचला हिस्सा बंद कर उस भट्टी में आग लगा दी। आग लगाते ही वह दुष्ट लालची कौवा चिल्लाने चीखने लगा, मगर अब उसकी कोई भी बात सुनने वाला कोई नहीं था और वह उसी भट्टी में जलकर खाक हो गया। चिड़िया ने उसे बकायदे ही बेवकूफ बनाकर उसकी पकड़ से आज़ाद हो गई।